हेलो गाइस, तो मेरा नाम एक्ल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन टेक। तो जो आज छोटे मैं टाइटल देखने लगा जब गाइस, जो दो दिन पहले भाई एरोस का भी एक नया अपडेट आया था बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11 वाला, सो उसी का रिव्यू होगा हमारे पोको फोन में। रोम अभी तक मुझे ठीक अच्छी स्टेबल लगी है और एक ऐसी पहली रोम है जिसमें अभी तक कोई भी भाई, हाँ एक दो बग्स है बट सारे माइनर है, कोई भी मेजर बग इस रोम में अभी तक मुझे नहीं देखा। और रियल पर नहीं मैंशन कर रखा ऑलमोस्ट एवरीथिंग वर्किंग, तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस रिव्यू वीडियो में जो एरोस की है बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11 ऑफिशियल बेटा फॉर आर पोको फोन। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले भाई अबाउट सेक्शन में चल लेते हैं। सो एरो आपका वही एंड्रॉइड वर्जन ऑब्वियसली आपका 10.0 भाई आपका भाई एंड्रॉइड आर और एंड्रॉइड सिक्योरिटी बिल्कुल लेटेस्ट मिलता है आपको 5 सितंबर का। करंट वर्जन भाई आपका 4.9 जो स्टॉक का जो अपस्ट्रीम हो रखा है आपका 235 प्रफ प्लस प्रफ भी कह सकते हैं की बात है। करंट्स में आप ट्राई कर सकते हो बट मैं देखो अभी जितने भी तक मैंने रोम्स यूज करी है ना भाई एंड्रॉइड 11 की, सब में मैं डिफॉल्ट कर्नल उसी के साथ स्टिक हूँ जो इसका स्टॉक कर्नल है उसी के साथ मैं स्टिक हूँ। मैंने कोई भी चेंज करा नहीं है और चेंज करेंगे शायद बूट लूप आए तो मुझे अब इतना श्योर नहीं है जब भी। सो ये आपका यहाँ पे अबाउट सेक्शन होगा। फटाफट गाइस स्टेटस बार पर चलते हैं। यहाँ पे आपका वाईफाई ब्लूटूथ DND फ्लैशलाइट सब कुछ वर्किंग है, ये भाई ऑलमोस्ट एवरीथिंग वर्किंग है। कोई आपको हॉटस्पॉट ऐसी कोई भी दिक्कत लॉल इसमें आपको नहीं आएगी। मोबाइल डेटा एयरप्लेन कास्ट स्क्रीन रिकॉर्डर में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर माइक्रोफोन्स डिवाइस ऑडियो एंड माइक्रोफोन जो भी आपको यूज़ करना है सब कुछ वर्किंग है। कोई मतलब रिकॉर्डिंग आप करोगे कोई ऐसा लैग वैग इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत लोग कह रहे थे हारी रोड डिवाइस का जब फर्स्ट वर्जन आया था बहुत लोग कह रहे थे मतलब एंड्रॉइड 11 वाला अपडेट आया था फर्स्ट इनिशियल बिल्ड उसमें भी ये लोग बहुत कह रहे थे कि भाई हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर लैग हो रहा है जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या ओपन नहीं हो रहा है क्रैश हो रहा है, तो भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और रीलोड में भी कुछ नहीं था बट क्या कह सकते हैं, अब डार्क थीम में सारी चीज़ें आपकी वर्किंग है और BT ऑडियो स्क्रीन कास्ट ऐसा इसमें कोई भी गाइस मुझे अभी तक फेस प्रॉब्लम नहीं हुई, होती तो ज़रूर आपको बताता बट BT ऑडियो और स्क्रीन कास्ट की कोई इसमें प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं हुई है। और तो नीचे आपका डेटा सेवर आ गया अगर QSTLs की हम बात करें, और नीचे आपका फोकस बोर्ड फोकस मोड बैड टाइम नियर बाय शेयर और नीचे आपकी जो FK मैनेजर की प्रोफाइल से वो नीचे आ जाएगी जो आपकी स्क्रिप्ट से कहने का मीनिंग है। तो ये आपका स्टेटस बार हो गया। फटाफट गाइस बात करते हैं इसके बेंचमार्क्स की। सुबह स्टार्ट करते हैं सबसे पहले Geekbench 5 जो उसके स्टॉक कर्नल के साथ है जो बेंचमार्क्स आए हैं। सो सिंगल स्कोर गाइस इसमें आपका 510 है और जो आपको मल्टी स्कोर ऑलमोस्ट 2000 का। फर्स्ट एरो उसका भाई ये एक इनिशियल बिल्ड है आप कह सकते हो, तो ज़्यादा मैं भी मतलब नहीं बात करेंगे बेंचमार्क्स परफॉर्मेंस सबकी, तो ठीक है ओवरऑल बिल्ड इतना आप कह सकते हो ओके है, यूज़ है, वर्थ करना यूज़ है, ऐसे कोई आपको दिक्कत इसमें नहीं आएगी। जैसे आप AX पे हो या रीलोड पे हो अगर आप इसको भी ट्राई करते हो तो ऑलमोस्ट सारी एंड्रॉइड 11 अभी रोम्स सेम ही, यहाँ ऊपर नीचे फर्क है किसका बग्स का फर्क है डेट्स ऑल। सो ये आपका हो गया। फटाफट गाइस बात करते हैं 3DMark की जो बेंचमार्क्स है। सो यहाँ पे भी ठीक आया भाई स्कोर, OpenGL 3.1 आपका 4900 का ऑलमोस्ट, वुल्कन भी आपका ऑलमोस्ट 4400 का, बट स्टिल आई एग्री सारे भाई इस पे डिपेंड नहीं होता, सिर्फ नंबर्स ही है बेंचमार्क्स ही है। सो ये आपका होने के बाद फटाफट गाइस बात करते हैं हाँ CTS प्रोफाइल की जो मैं मेस कैंड्रीज में यूज़ कर रहा हूँ। आपको भाई फिंगरप्रिंट रिस्टोर करना पड़ेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ यार, ये रहा आपका चेक सेफ्टी नेट स्टेटस। सो अभी सकते हो भाई बेसिक इंटरगेट यहाँ पे आपकी ट्रू है, CTS प्रोफाइल भी यहाँ पे आपकी ट्रू है। मैं इस हाइड कर लेना फिर आपको फिंगरप्रिंट रिस्टोर करना पड़ेगा, जब भी जाकर सब कुछ ओके होगा आपको बताइए मैं क्या कह रहा हूँ। सो समझ जाओ, सो मतलब मस्ट है क्या बोलते कहने का मीनिंग है कि अगर आप फिंगरप्रिंट रिस्टोर करते फिंगरप्रिंट आप रिस्टोर करते हो वो बिल्ड प्रॉब्लम सबसे तो वो मस्ट है आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, जब भी जाके आपकी जो CTS प्रोफाइल और बेसिक इंटरगेटी है वो आपकी ट्रू जाएगी। स्टेटस बार हो गया, बेंचमार्क्स हो गया, मैच हो गया और तो भाई अमेजन प्राइम सारी चीज़ें इसमें ऐसी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, कहने का मैंने कि वर्किंग है। अब फॉर गाइस बात करते हैं सेटिंग्स की। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपका नेटवर्क कनेक्टेड कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है भाई अगर हम बात करें तो, और तो यहाँ पे आपका कनेक्टेड डिवाइस BT ऑडियो सारी चीज़ें आपकी वर्किंग है। हाँ बैटरी वाले सेक्शन में चलेंगे तो गाइस बैटरी वाले सेक्शन में आपको हाँ ऑब्वियसली यार थर्मल प्रोफाइल यहाँ पे मिल जाएगी आपको, जो भी यहाँ पे आपको चेंज करना है चेंज आप कर सकते हो डिफॉल्ट है जो मतलब करना है एज एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो थर्मल प्रोफाइल्स। और नीचे आपको बैटरी सेवर बैटरी मैनेजर बैटरी परसेंटेज और ये तो नीचे आपका स्क्रीन ऑन यूजेज आ गया SOT। और हाँ डिस्प्ले में चलते डिस्प्ले में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपका डार्क थीम नाइट लाइट कोई दिक्कत नहीं है वर्किंग है यार सारी चीज़ मैंने देखी है। कोई कोई ऐसी एंड्रॉइड रोम्स ऐसे मीन की बात करूँ जिन्हें भाई एंड्रॉइड 11 बूट तो हो गए बट नाइट लाइट ऐसे स्पेसिफिक बग्स हैं, तो जही मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि ऐसा इसमें कुछ नहीं है प्रॉब्लम। एडेप्टिव ब्राइटनेस स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स बट ये क्रैश हो रहा है, हाँ ये क्रैश हो रहा है। इसमें होता है एक दिक्कत है कि अगर स्टाइल वॉलपेपर्स पे क्लिक करेंगे सीधा क्रैश हो रहा है, आप देख सकते हो ब्लैक स्क्रीन आ गई पूरी। सो ये थोड़ा अगर क्लिक करोगे या तो लिखा आएगा अनफॉर्चुनेटली स्टॉप या पूरी ब्लैक स्क्रीन हो जाएगी तो आपको डिवाइस को फिर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सो ओके ये आपका डिस्प्ले वाला का हो गया स्टाइल मॉल पेपर्स। वो तो देखो ये फर्स्ट इनिशियल बिल्ड है, जितने भाई अपडेट्स निकलते जाएंगे ना जितने भी ये प्रॉब्लम है सारी फिक्स हो जाएगी, बट कोई मेजर इशू नहीं है माइनर इशू है ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन टाइम ऑटो रोटेट कलर्स फॉन्ट साइज डिस्प्ले साइज स्क्रीन सेवर और यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन मिल जाता है, वही आपका वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन और नीचे आपको एडवांस सेटिंग्स में मिल जाता है, वही आपका एम्बिएंट डिस्प्ले पिकअप हैंडवेव और पॉकेट कह सकते हो अभी और टैप टू वेक भी यहाँ पे ऐसी कोई स्पेसिफिक मुझे दिक्कत इसमें नहीं आई।
ठीक है, आपको टैप टू बैक दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो, आपका वर्किंग कोई दिक्कत नहीं यार। मैं बार बार भैया यही कंफर्म करूँ कि आपको सामने सब कुछ दिखा दूँ जितना, क्योंकि रिव्यू का मीनिंग वही होता है कि जितना आपके सामने दिखा सकूँ कि चीज़ें वर्किंग है एक स्पेसिफिक रूम में, जब भी आपको सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। सो टैप टू बैक भी इधर आपका डन है। साउंड में आप यूज़ कर सकते हो, मैं वही अगेन बात कर रहा हूँ कि भाई मी साउंड इंचर इसमें आपको मिल जाता है, बट स्टिल एक आपको एक या दिन में वीडियो आएगी कैसे आपको डॉल्बी को इंस्टॉल करना है एनी एंड्रॉयड 11 रूम, मतलब किसी भी एंड्रॉयड 11 रूम पे, तो उस पर भी आपको ये सुन एक वीडियो मिलेगी। स्टोरेज में जाओगे प्राइवेसी वही सेम है लोकेशन। सिक्योरिटी में आपको पता है अभी भाई फेस अनलॉक नहीं मिलेगा आपको, IRSR तो अभी एक्सपेक्ट करो ही मत, उसको तो भूल जाओ। हाँ, फिंगरप्रिंट की स्पीड की बात करें, ठीक है, ओके, एफिशिएंट है, कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है कि भाई टच करो तो स्लो खुल रहा है, स्लो ओपन हो रहा है लॉक स्क्रीन से, ऐसा कुछ नहीं है। एफिशिएंट है, ठीक है, ओके, फिंगरप्रिंट की स्पीड, बट स्टिल हाँ सून आपको फेस अनलॉक भी दिखेंगे धीरे धीरे बिल्ड जैसी रोल आउट होंगे ऑन एनी, मतलब किसी भी स्पेसिफिक रूम के, जरूर मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सो ये आपका इधर हो गया, और अकाउंट्स, एक्सेसिबिलिटी, डिजिटल वेलबिंग, गूगल। अब हम गए चलते सिस्टम में भी, तो इधर आपके भाई गेशर्स आ गए, क्विक ओपन कैमरा सिस्टम, नेविगेशन, इधर आपके सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएगी, गेशर नेविगेशन, क्योंकि आपको पता है एंड्रॉयड 11 की रोम से भाई टू बर्ड नेविगेशन को टोटली रिमूव कर दिया गया। सो जितनी भी अभी आपकी आएगी तो सारी आपकी थ्री बटन नेविगेशन या गेशर नेविगेशन ही होगा। सो ये सब होने के बाद यहाँ पे भाई आपका सेम ही है, गैशियस कहने का मीनिंग है, और नीचे आपको हाँ सिस्टम अपडेटर इधर मिल जाता है, बट क्या पता सिस्टम अपडेटर की तरफ से अपडेट आए ना, वो आई डोंट नो, बट OT आपको मिल जाता है यार अगर हम बात करें तो। तो ये गाइस नीचे आपको अबाउट सेक्शन हो गया। अब फ्रेंड्स बात करते हैं मेन भाई परफॉर्मेंस और बैटरी, ये तो क्योंकि आपको पता है अभी इसमें बिल्कुल सिंपल है, ये भी सिमिलर टू, जैसे आपके एंड्रॉयड बना ना वैसे सिमिलर टू है, AOSP है ना, सो दैट्स वाई, बट स्टिल सिंपल ज़रूर है बट स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। बैटरी बैकअप आपको दिखाता हूँ, आपको कहोगे सिर्फ 7 से 8% है गाइस आपका इसमें एक्टिव डेन है। हाँ विद गेमिंग थोड़ा वो ज़्यादा है, बट स्टिल अगर आप नॉर्मल यूज़र की बात करें ना, क्योंकि एंड्रॉयड 11 अभी गेमिंग के लिए मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं आपको भी रिकमेंड, कोई फ़ायदा ही नहीं है अभी गेमिंग के लिए। सो एज अ सब मेरे से पूछ रही है, अगर एज अ आपको नॉर्मल यूज़ करना है, एज अ डेली यूज़, आपके बैटरी आपके सामने है भाई, इतना ही है, 7 से 8% का आपका ड्रेन होगा मैक्सिमम, जैसे 9% डेट्स ऑल, जैसे आप हैवी टास्क करते हो फेसबुक इंस्टाग्राम में सब, तो ऑब्वियसली इतना तो जाएगा ही, 9% तो आपका जाता ही है, तो इतना मान के चलो। वैसे मेरा तो देखो 7 से 8% का आपका एक्टिव ड्रेन है, मेरे को तो ऐसी कोई बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम नहीं आई इसमें। सो ओवरऑल मुझे मेरा एक्सपीरियंस ठीक है, टेम्परेचर भी ओवरऑल ठीक ही है, हाँ 36, 37, 38 अभी जस्ट बेंच मार्क करके हटा, जब भी टेम्परेचर ये थोड़ा ज़्यादा है 39-40 के करीब 3D मार्क करा, तो अब आप देख सकते हो ओवरऑल ठीक है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं मेन परफॉर्मेंस की। देखो यार अब अगर मैंने, मुझे ठीक लगी बट ओके, अगर हम मैं जैसे मैंने CODs पे खेले 3-4 बैटल रॉयल खेले, तो FPS ड्रॉप गाइस हुआ है थोड़ा मेरे लिए भाई। देखो जब मैं गेम खेल रहा था थोड़ा FPS ड्रॉप हुआ है, लाइक जैसे बीच बीच में, मतलब हुआ है, जैसे अगर आपका मेंटेन हो रखा है 55-60 FPS, बीच में ड्रॉप हो गया 40-45 ऐसे हुआ ड्रॉप थोड़ा का, स्कैनिंग का मीनिंग है। और बैटरी बैकअप की अगर हम बात करें, मतलब आपका जो एक्टिव ड्रेन बात करें विद गेमिंग गाइस, वो थोड़ा ज़्यादा, जो मैंने आपको बोला था 27-29% का गाइस आपका एक्टिव ड्रेन है विद गेम, वही कह रहा हूँ अभी गेमिंग के लिए एंड्रॉयड 11 रोम्स सही नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ जैसी अपडेट्स आएंगे AEX रिलोडेड धीरे धीरे सही होते जाएगा सब कुछ, टाइम लगेगा यार कहने का मीनिंग है इन शॉर्ट बात करें। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें, अप टू 43-44 का गाइस टेम्परेचर गया था, अगर कंसिस्टेंटली गेमिंग खेली, जैसे मैंने एक घंटे डेढ़ मिनट की, एक घंटे डेढ़ घंटे की बात करूँ, डेढ़ मिनट क्या बोल दिया, मतलब 1.20 मिनट्स इतने मैंने गाइस गेमिंग करी थी, डेढ़ घंटा मान के चलो, तो 40 तभी तो ऊपर गया ना आपका टेम्परेचर, 42-44 गाइस मेरा टेम्परेचर गया था अप टू वाइल्ड गेमिंग कहने का मीनिंग है। और हाँ एक्टिव ड्रेन थोड़ा ज़्यादा यार, जैसे 27 से 28% इतना ही मान के चलो जो मेरा आया था, करंटली 27 था, तो इतना ही मान के चलो ऊपर नीचे जो होगा। सो गाइस ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो यूज़ कर सकते हो, बट एक कंडीशन पे, एज अ डेली ड्राइवर ही यूज़ रोम को यूज़ करना। और तो अगर गेमिंग के लिए करोगे ना, हीटिंग इशू तो थोड़ा आएगा, बट मैं नहीं बोलता हूँ, मैं ही बोलता हूँ कि भाई हीटिंग इशू का कोई सलूशन नहीं है, तो तभी तो उसको मैं पीछे रखता हूँ ज़्यादा, उसके बारे में बात नहीं करता, बट एक कंसर्न है कि थोड़ी बैटरी ड्रेन होगी वाइल्ड गेमिंग। तो ये गाइस थोड़ी चीज़ यहाँ पे नोटिस रखना, मतलब जैसे कंसर्न रखना अगर आप गेमिंग इस रूम पे करते हो अभी के लिए, अभी की बात करो, मैं फ्यूचर के अपडेट्स की बात नहीं कर रहा, अभी जो इस वाले बिल्ड की बात कर रहा हूँ, थोड़ा आपका यार यहाँ पे एक्टिव ड्रेन ज़्यादा होगा कहने का मीनिंग है। यूज़ कर सकते हो बट सिर्फ एज अ डेली ड्राइवर यूज़ करना, मतलब डेली यूज़ गेमिंग, हाँ थोड़ी बहुत कि भाई पूरा मेन गेमिंग के लिए बना लो, वो चीज़ अभी मत करना, वो जैसी अपडेट्स आएंगे और भी भाई रूम्स अभी आएगी यार। सो समझ गए होगा इसमें क्या कह रहा हूँ। सो गाइस अगर वीडियो है तो वीडियो को लाइक करना, दूलना चैनल को सब्सक्राइब करना, दूलना वीडियो को भी शेयर करना, दूलना एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम, लिंक विल आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, एंड ऑल फाइल्स लिंक विल आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। ओके गाइस मिलते हैं वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।